नमस्कार मित्रों, अलका याग्निक ने बॉलीवुड को बेहद खूबसूरत गाने दिए हैं। उन्होंने बॉलीवुड सिनेमा की खूबसूरत हीरोइन के लिए आवाज देकर उनके किरदार को और भी पसंदीदा बनाया है। तो आइए जानते हैं अलका याग्निक का पहला गाना कौन सा है और अब तक कैसा रहा उनका सफर। अलका याग्निक ने अपने बॉलीवुड संगीत करियर की शुरुआत ईयर 1980 में राजश्री की पायल की झंकार की कुछ पंक्तियों से की। भले ही उनका पूर्ण गीत ईयर 1982 में राजेश रोशन के लिए हम तुम रहेंगे थी, लेकिन उनकी पहली उपस्थिति मेगा हिट मेरे अंगने में साबित हुई। ऐसे इंडस्ट्रीज में जहां बड़े और पहले से ही स्थापित नाम राज कर रहे थे, वहां किसी के लिए ध्यान करना आकर्षित मुमकिन नहीं था। अलका याग्निक को बड़ा ब्रेक तब मिला जब तेजाब फिल्म में उन्होंने 1-2-3 गाया, तब लोगों पर उनकी आवाज का जादू हो गया। तो आइए अब जानते हैं अलका याग्निक का कैसा रहा सफर। अलका याग्निक अपनी माँ के साथ सिर्फ 10 ईयर की उम्र में मुंबई गई थी और उन्होंने फिल्म मेकर राज कपूर से मुलाकात की। बचपन में उन्होंने अपनी माँ सुभा याग्निक से शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया था और घर में संगीत का माहौल होने के कारण उनकी भी संगीत में रुचि बढ़ती गई और उन्होंने संगीत की दुनिया में अपना जादू बिखेर दिया। अलका याग्निक ने ईयर 1989 में शिलांग बेस्ड बिजनेसमैन नीरज कपूर से शादी की थी, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला। अलका याग्निक पिछले 25-26 ईयर से अकेली रह रही है। अलका याग्निक और कुमार सानू ने एक साथ बॉलीवुड को कई सारे हिट गाने दिए हैं। तो यह थी अलका याग्निक की पहली सॉन्ग और उनकी सफर। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी जरूर दबाएं।